नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बुलीबाई ऐप को लेकर मचे हंगामे के बीच मुंबई पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक 18 साल की युवती श्वेता सिंह है, जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही श्वेता सिंह को लेकर अब बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने आरोपी श्वेता के प्रति सहानुभूति जताते हुए उसे माफ करने की मांग की है। आपको बता दें, कथित तौर पर श्वेता एक अनाथ लड़की है, जिसने अपने पिता को कोविड के चलते और मां को कैंसर की बीमारी की वजह से खो दिया है। बुलीबाई विवाद पर बुधवार को जावेद अख्तर ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में श्वेता के प्रति सोशल मीडिया यूजर से सहानुभूति रखने और उसकी गलती के लिए माफ करने की वकालत की है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर बुलीबाई की मास्टरमाइंड वास्तव में एक 18 साल की लड़की है, जिसने हाल ही में अपने माता पिता को कैंसर और कोरोना से खो दिया, तो मुझे लगता है कि महिलाएं या फिर उनमें से कुछ जिन्होंने बुलीबाई के खिलाफ केस दर्ज करवाया, श्वेता सिंह से उसे मिलना चाहिए और उसे उसकी गलती के लिए एक बच्चे की तरह समझाना चाहिए। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, हमें उस अनाथ लड़की के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। आपको बता दें कि बुलीबाई ऐप मामले में श्वेता के अलावा 21 साल के एक इंजीनियरिंग के छात्र विशाल झा को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एक टीम के द्वारा बुलीबाई विवाद के सिलसिले में छापेमारी में विशाल पकड़ा गया था। इसी मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी बुधवार को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि बुलीबाई ऐप विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से चोरी की गई और एक ऐप पर अपलोड कर दी गई। बुलीबाई नाम के इस ऐप पर उन महिलाओं के लिए कथित रूप से बोली लगाई गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।